चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे Betway.com में कि कैसे बैंक ट्रांसफ़र द्वारा डिपॉजिट किया जाता है। सबसे पहले अपनी आईडी को हमने लॉग इन कर लिया है, अब स्टार्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको सीधा ही अभी देख लें, मेरा बैलेंस 00 रुपीज़ है। अब क्लिक करते हैं डिपॉजिट के ऊपर और UPI डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है पहला ही ऑप्शन। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पर आपको नई विंडो खुल जाएगी, कंटिन्यू कर देना। यहाँ पर आपको ये मैं लाइव दिखा रहा हूँ कि कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड बोल रहे थे कि डिपॉजिट नहीं होता, प्रॉब्लम होता है, फ्रॉड है, तो वो आपको अभी प्रूफ कर देता हूँ। अभी जो बैंक का नंबर दिया हुआ है ऊपर, इसके ऊपर आपको 1000 रुपये भेज देने हैं, मिनिमम अमाउंट है ये। और आपका जो है आईडी नेम वो रिमार्क के रूप में ज़रूर लगाना। अभी एक मिनट में, अभी मैं थोड़ा वीडियो पॉज कर ट्रांजैक्शन आईडी लगा देता हूँ। तो दोस्तों अभी मैं भर देता हूँ, एक मिनट वेट करो। जैसे मैंने अभी भेज दिया तो ये आ गया, रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। और ये 45 मिनट का बोल रहा है मैक्सिमम, कि 45 मिनट में आपके अकाउंट में रुपीज़ फंड है वो जोड़ दिया जाएगा। ओके, यहाँ सीधा आप होम पर जा सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता यहाँ से जाने का। दोबारा लॉग इन करते हैं। अभी मैंने किया है डिपॉजिट, 50 मिनट तो लगता है मिनिमम। दोस्तों आपको मैं दोबारा बता दूं कि कैसे करते हैं, डिपॉजिट के ऊपर जाइए और क्लिक कर दीजिए यहाँ से। अभी जैसे मैंने अभी पहले सेंड किया था, तो मैं दोबारा वही ट्रांजेक्शन आईडी लगा रहा हूँ, और सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि समझाने के लिए दोबारा कि कैसे आपको डिपॉजिट करना है। अगर आप सेम आईडी दो बार लगाएंगे, सेम ट्रांजेक्शन आईडी तो ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा, तो इससे आपको ये भी कन्फर्म हो जाएगा कि आपने सही तरीके से किया है या नहीं किया है। क्योंकि दोस्तों पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे बोल रहे थे कि ऐसा प्रॉब्लम होता है, रुपए नहीं आते, Betway.com फ्रॉड है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आप इससे डिपॉजिट करें, आपके अकाउंट में रुपीज़ आएंगे, तो ये मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ इसका। ओके फ्रेंड, तो मैं इसके अंदर अपनी ट्रांजेक्शन आईडी है वो इसके अंदर लगा देता हूँ। और जब भी आपका डिपॉजिट हो जाएगा तो आपको इसके अंदर मैसेज भी आ जाता है, जो आपके रजिस्टर्ड नंबर हैं तो उसके ऊपर मैसेज भी आ जाता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, अभी मैं लगा रहा हूँ। और ये मैक्सिमम 45 मिनट है, इसके अंदर अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता ऐसा कि अमाउंट ना आए। ओके फ्रेंड, अब आपको डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है, रिमार्क ज़रूर लगाना आपको, जब भी आप पैसे भेजें तो रिमार्क ज़रूर लगाएं। इस बात को आपको कभी नहीं भूलना कि रिमार्क न लगा हो। ओके, ये दिखा रहा है कि ऑलरेडी यूज्ड आ गया, इसका मतलब हमने इसको पहले यूज़ कर लिया है। अब दोबारा देखें दोस्तों, 45 मिनट लगभग हो चुके हैं, तो देखते हैं अमाउंट मेरी आई या नहीं आई, चेक करते हैं। अभी भी नहीं आई है दोस्तों। ओके, वेट करते हैं, अब देखते हैं। लगभग अब 50 मिनट्स हो चुके हैं डिपॉजिट किए हुए को मेरे को, और ये देख रहे हैं अमाउंट आपके अकाउंट में आ गई है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड, आप इसे कर सकते हैं और ये 100% श्योर है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। धन्यवाद दोस्तों। और जितने भी आपको ऐसे फ्रॉड वीडियो मिलेंगे, फ्रॉड है, ये है, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बहुत जल्दी मैं आपको लाइव बैंक द्वारा विड्रो का भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप देख सकते हैं मेरे अकाउंट में है वो अमाउंट आ गई है, और ये लगभग 48 मिनट में आई है लगभग। आप देख सकते हैं मैंने 7:50 नहीं 35 मिनट पर किया था।